हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो आपको एनुअल एग्ज़ाम किट प्रोवाइड की गई है उसकी वीडियो मैं आपको यहाँ बताऊँगी। उसमें आपका जो सबसे फर्स्ट असाइनमेंट है, पहले पूरा असाइनमेंट बताऊँगी, फिर मैं आपको वो ड्राइंग की वीडियो बताऊँगी कि आपको किस तरीके से जो एक्टिविटी दी है उसे आपको करना है। तो हम असाइनमेंट का हमारा सबसे फर्स्ट जो पेज है उससे स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन करके सारे असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। तो सभी को ये वीडियो को देख के अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ओके, सबसे फर्स्ट है बच्चों, राइट लेटर्स ए टू जेड। यहाँ पे आपको ए से लेके जेड तक कैपिटल कर्सिव लेटर राइट डाउन करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। फोर लाइन्स की कॉपी में आप वो उसमें फोर लाइन्स हैं, तो इस तरीके से आपको ए बी सी डी ई एक लाइन में आप फोर या फाइव लेटर ही लिखेंगे, उससे ज़्यादा आप एक लाइन में नहीं लिखेंगे। और इसी तरीके से आप पूरा ए से लेके जेड तक पूरा इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, स्मॉल लेटर्स। यहाँ पे आपको पूरे स्मॉल लेटर्स लिखना है, जैसे कि ए बी सी डी ई। ओके, यहाँ आप पूरा ऊपर से नीचे तक स्मॉल लेटर्स को कवर करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर हैंडराइटिंग में, जैसा मैंने आपको सिखाया है। नेक्स्ट है पुसी कैट वेयर आर यू। ये जो मैंने आपको इन ऑन अंडर बताया था, तो इसमें हमें बताना है कि पुसी कैट कहाँ पर है। तो देखो, पुसी कैट यहाँ पर टेबल के ऊपर है, मतलब पुसी कैट इज ऑन द टेबल, पुसी कैट इज इन द बास्केट, पुसी कैट इज अंडर द चेयर। तो अब हमें ये पिक्चर्स देखना है और ये बॉक्सेस में फिल करते जाना है। ठीक है, अब ये बोला है नाउ आई एम ऑन द टेबल, टेबल पे कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ क्या आएगा, वन। फिर नाउ आई एम अंडर द चेयर, अब मैं चेयर के नीचे हूँ, तो यहाँ मतलब क्या आएगा, थ्री नंबर पे है, तो यहाँ हम लिखेंगे थ्री। नाउ आई एम ऑन द सोफ़ा, अब वो कहाँ पर है, सोफे पर है, तो सोफे पे किस नंबर पे है, फाइव, वी विल राइट हियर फाइव। नाउ आई एम नियर द बेड, अब मैं बेड के पास हूँ, किस नंबर पे है, सेवन, वी विल राइट हियर सेवन। नाउ आई एम इन द बास्केट, अब मैं बास्केट में हूँ, कहाँ है बास्केट में, ये है, वी विल राइट टू। नाउ आई एम बिहाइंड द डोर, अब मैं डोर के पीछे हूँ, कहाँ पर है, फोर नंबर पे, तो हम यहाँ फोर लिखेंगे। नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ द टीवी, अब मैं टीवी के जस्ट सामने हूँ, कहाँ, सिक्स नंबर पे, तो हमें पुसी कैट की यहाँ पोजीशन बताना है कि पुसी कैट कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट पेज है मैच द लिस्ट ए विथ लिस्ट बी। इस वाली लिस्ट को इसके साथ मैच करना है। देखो, आई प्ले, आप खेलते होगे, कब खेलते हो, इन द आफ्टरनून, दोपहर में। देन आई वेक अप, आप उठते होगे, कितने बजे उठते हो, एट सिक्स ओ क्लॉक। आई गो टू स्कूल, आई गो टू बेड, मैं सोने के लिए जाता हूँ, कब जाता हूँ, आप रात में सोने जाते होगे, तो एट नाइन ओ क्लॉक। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, कितने बजे, एट एट ओ क्लॉक। ओके, अब आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जैसे कि व्हेन डू यू वेक अप, When do you wake up? तो यहाँ लिखेंगे I wake up at 6 o'clock. Then when do you play? आप कब खेलते हो? तो यहाँ लिखेंगे I play in the afternoon. मैं दोपहर में खेलता हूँ। इसके बाद पूछा है व्हेन डू यू गो टू बेड, तो हम लिखेंगे आई गो टू बेड एट 9 o'clock। फिर लास्ट पूछा है व्हेन डू यू टेक लंच, आप लंच कब लेते हो, तो हम लिखेंगे आई टेक लंच एट 11 o'clock। ओके, तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर इसी तरीके से राइट डाउन करना है। नेक्स्ट दिया है
समान ध्वनि वाले शब्दों को रेखा खींचकर एक दूसरे से मिलाइए, मतलब समान ध्वनि, जिसकी ध्वनि बोलने में मतलब जो एक से हो, जैसे कि बुआ। अब बुआ के जैसा यह कौन सा वर्ड दिख रहा है? सूखा, कैसा, चौकी, दुआ। दुआ दिख रहा है, बुआ, दुआ। तो हम बुआ को दुआ से मैच करेंगे, ओके। तो हमें समान ध्वनि मतलब बोलने में जिसका साउंड सेम आए। इसके बाद दिया है केला। केला को कैसे? सूखा, कैसा, चौकी, दुआ, खोटा, मेला। तो केला को किससे मैच करेंगे? मेला से। देन लोटा। लोटा जैसा कौन सा वर्ड है? सूखा, कैसा, चौकी, खोटा। लोटा, खोटा। देखो समान ध्वनि है, मात्रा भी समान है, ठीक है। अब क्या है? भूखा। भूखा का सूखा। लौकी। लौकी का चौकी। पैसा, कैसा। ये तो ये सब क्या है? ये समान ध्वनि वाले शब्द हैं, इन्हें हमें एक दूसरे से मिलाना था। नेक्स्ट है चित्र देखकर शब्द पूरा कीजिए। ये चित्र देखना है और इन शब्दों को पूरा करना है। ये क्या दिख रहा है आपको? ये है चूहा। तो हाँ, तो यहाँ लिखा है, हम लिखेंगे च, चा में बड़ी उ की मात्रा, चूहा। फिर यहाँ क्या दिख रहा है? ये एक टॉय दिख रहा है, खिलौना दिख रहा है। तो खिल लिखा है, हम क्या लिखेंगे? ला में औ की मात्रा लगाएंगे और ना में बड़े आ का डंडा, दैट इज खिलौना। फिर आपको यहाँ एक हिरण दिख रहा है, हिरण को क्या बोलते हैं? मृग बोलते हैं। तो मरा तो लिखा हुआ है, सिर्फ हमें क्या लिखना है? ग, मृग, ठीक है। ये क्या दिख रहा है? सेव। तो बा लिखा हुआ है, हमें सिर्फ क्या लिखना है? एक की मात्रा लगा के सा, सेव। ये क्या है? एक तोता है। ता लिखा है, वो की मात्रा लगाएंगे ता में और एक ता में आ का डंडा, तोता। फिर क्या लिखा है? ये क्या है? मूली। तो मूल तो लिखा ही है, सिर्फ इसमें क्या लगाना है हमें? बड़ी की मात्रा, मूली, ओके। तो यहाँ पे आपको सिर्फ शब्दों को पूरा करना था, किसी में मात्रा लगाना है तो किसी में और अक्षर बढ़ाकर लिखना है। नेक्स्ट पेज है एक ही मात्रा वाले शब्द लिखना है। एक ही मात्रा यहाँ पे दिए हुए हैं तो इनको ज्वाइन करके लिखना है। जैसे पहले रा दिया है, रा, फिर रा में एक ही मात्रा रे, फिर ल, तो क्या हो जाएगा? ये रेल। यहाँ देखिए सा, सा में एक ही मात्रा से, ब, सेब। फिर ठ, फिर ठ, ठ में फिर एक ही मात्रा, फिर र, फिर आ का डंडा, ठ, ठेरा, ठटेरा। स, पा, पा में एक ही मात्रा पे, रा, रा में आ का डंडा रा, सपेरा, सपेरा। रेल, सेव, ठटेरा, सपेरा। तो सभी को एज इट इज पूरा नीचे तक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है चित्र पहचान कर सही शब्द लिखिए। आपको ये पिक्चर्स जो हैं इनको आइडेंटिफाई करना है और इन्हें किस तरीके से लिखते हैं वो हमें लिखना है, ठीक है। देखिए ये क्या दिख रही है बच्चों? आँख। तो आँख कैसे लिखेंगे? अ, बड़ा, इसमें क्या लगेगी? चंद्र बिंदु, और ख, आँख, ओके। ये क्या है? दांत। देखिए दांत कैसे लिखेंगे? द, दा में आ का डंडा, चंद्र बिंदु, और त, दांत। ये क्या है? सांप। स, सा में आ का डंडा, सा, चंद्र बिंदु, सांप, सांप। ये क्या है? चांद। तो च, चा में आ का डंडा, चंद्र बिंदु, एंड द, चांद। तो ये सारे कौन सी मात्रा के शब्द हैं बच्चों? ये सभी चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं, ठीक है। इसमें चंद्र बिंदु सिखाई गई है, तो सभी को ये आइडेंटिफाई करके लिखना है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट काउंट करके हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डायमंड्स हैं, उसमें से कितने डायमंड्स हटा दिए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हटा दिए, कितने रिमेनिंग बचे? 1 और 2। एक और करके बताती हूँ, देखिए 1, 2, 3, 4, 4 पॉट्स हैं, 4 में से 3 पॉट्स को हटा दिया। देखो 1, 2, 3, कितना रिमेनिंग बच रहा है? 1, ओके। तो इसी तरीके से आप ये दोनों भी कंप्लीट करेंगे।
नेक्स्ट है राइट द मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. यहाँ जो स्पेस दी हुई है इसमें आपको जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो लिखना है. अब वो आंसर कैसे आएगा, आपको टेबल लर्न कराई थी, जैसे 4 × 8, 4 8s आर कितना होगा, 4 8s आर 32, 4 5s आर 20. इसी तरीके से आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करना है. नेक्स्ट इसमें भी सेम करना है, इसमें 3 का टेबल है, जैसे 3 4s आर 12, 3 1s 3, 3 9s आर 27. ओके नेक्स्ट पेज है मैच द पिक्चर ऑफ क्लॉक. यहाँ व्हीकल्स लिखा है, इसको क्लॉक कर लीजिएगा, क्लॉक को उसके टाइम के साथ मैच करना है. ओके यहाँ देखिए, यहाँ एक साइड क्लॉक दी है और यहाँ एक साइड क्लॉक का टाइम दिया है, तो हमें ये देखना है किस क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है. अब देखो ये क्या होता है, ये मिनट हैंड होता है, ये आवर हैंड होता है, तो ये आवर हैंड है 6 पे और मिनट हैंड है 12 पे, तो मतलब कितना टाइम हो रहा है, 6 o'clock. ओके नेक्स्ट है आवर हैंड 4 पे है और मिनट हैंड 12 पे है, तो टाइम कितना हुआ, 4 o'clock. देन यहाँ आवर हैंड 2 पे है, मिनट हैंड 12 पे है, तो इसका क्या होगा, 2 o'clock. देन यहाँ आवर एंड 8 पे है, मिनट हैंड 12 पे है, तो ये 8 o'clock. देन आवर एंड 10 पे, मिनट हैंड 12 पे, दैट विल बी 10 o'clock. ओके तो यहाँ पे हमें क्लॉक को उसके टाइमिंग से मैच करना है. नेक्स्ट आया कलर ट्रेस एंड कनेक्ट. इसमें आपको कलरिंग भी करना है, प्रेस भी करना है और उनको ज्वाइन भी करना है. तो देखिए ज्वाइन तो मैं आपको करके बता देती हूँ, फिर हम कलरिंग करेंगे. देखिए यहाँ पे आपको पेंसिल और स्केल की हेल्प से इसको एज इट इज इस तरीके से ज्वाइन करना है, ठीक है, ऐसे. ये क्या है, ये स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं. ये क्या है, ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड्स होती हैं. ये किस शेप का होता है, ट्राइंगल. आपका पराठा देखा है आपने, मम्मा पराठा बनाती हैं, किस शेप का होता है, ट्राइंगल शेप का. ये क्या है, सर्कल. मम्मा की रोटी गोल गोल. ये क्या है, रेक्टेंगल. कोई भी बॉक्स देखा होगा आपने रेक्टेंगल शेप का. आपका ये बोर्ड है, ये भी किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है. ये क्या है, ये ओवल है. कौन सा शेप है, ये ओवल. इसी तरीके से आपको सेम यहाँ पर बनाना है और इसमें कलरिंग भी करना है. देखिए जैसे कि मैं ये रेड कलर फिल करके बताती हूँ, ये देखो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर सभी में फिल कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट ले लेती हूँ. इसी तरीके से आपको सारे शेप्स में कलर करना है. ओके तो सभी बच्चों को इस तरीके से पहले शेप्स को ड्रॉ करना है, देन उनमें कलरिंग करना है. नेक्स्ट है मैच द व्हीकल्स विद देयर नेम्स. हमें इन व्हीकल्स को उनके नेम के साथ मैच करना है. सबसे पहले क्या दिख रहा है बच्चों, कार. कार की क्या स्पेलिंग होती है, C A R, कार. फिर क्या दिख रही है हमको, एक बस दिख रही है, बस की स्पेलिंग BUS, बस. देन बाइसिकल, BICYCLE, बाइसिकल. देन एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन. देन ट्रेन, TRAIN, ट्रेन. ओके नेक्स्ट है मैच द इंडोर गेम्स विद देयर नेम्स. इंडोर गेम्स को उनके नेम के साथ मैच करना है. ये मैंने आपको जो लर्न करा है वही इंडोर गेम्स हैं. फर्स्ट है स्नैक एंड लेडर, तो उसको स्पेलिंग ये है, स्नैक एंड लेडर को स्नैक एंड लेडर से मैच करेंगे. सेकंड है बच्चों कैरम, CARROM, कैरम. नेक्स्ट है लूडो, LUDO, लूडो. देन चेस, CHESS,
चेस, देन लास्ट है टेबल टेनिस। ठीक है, तो आप सभी को ये असाइनमेंट करना है और अब हम एक्टिविटी देखेंगे कि आपकी जो एक्टिविटी है उसे आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है।